लाखों दर्शकों का भरोसेमंद न्यूज चैनल R9 भारत। आज राजकीय महाविद्यालय सैपाऊ में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जयंती एवं विश्व अहिंसा दिवस के उपलक्ष में सर्वप्रथम प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। उल्लेखनीय है कि उच्च शिक्षा विभाग महाविद्यालय स्तर का ब्लॉक लेवल के आयोजन में राजकीय महाविद्यालय सैपाऊ, राजकीय महाविद्यालय बसई नवाब, महर्षि परशुराम कॉलेज सैपाऊ, मास्टर विद्याराम महाविद्यालय तसीमो, SPBR कॉलेज ऑफ एजुकेशन गली चटोला के लगभग 550 छात्रों के द्वारा भाग लिया गया। कार्यक्रम के प्रारंभ में महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर सुमन वर्मा के द्वारा महात्मा गांधी के चित्र पर माल्यार्पण कर उनके आदर्श से जुड़ी बहुत सी बातें बताते हुए सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए छात्रों को प्रेरित किया। डॉक्टर वर्मा ने बताया कि महात्मा गांधी ने सारे विश्व को सत्य और अहिंसा का पाठ सिखाया। उन्होंने बताया कि गांधी जी ने बना सके आजादी की लड़ाई लड़ी। सत्य के मार्ग पर चलते हुए उन्होंने राष्ट्रीय स्वतंत्र आंदोलन में भारत को स्वतंत्र करने में अग्रणी भूमिका निभाई। गांधी जी के द्वारा चलाए गए विभिन्न आंदोलनों के माध्यम से, जिसमें असहयोग आंदोलन, चंपारण आंदोलन, दांडी यात्रा, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार एवं विभिन्न आंदोलनों के माध्यम से भारत की जनता को एक सूत्र में पिरोकर स्वतंत्र दिलाने में अग्रणी भूमिका निभाई। गांधी जी का सपना था कि भारत में ग्राम स्वराज की स्थापना हो। 1993 में पंचायती राज के साथ ग्राम सभाओं की स्थापना करके पंचायती राज के माध्यम से इस सपने को साकार किया जा रहा है। R9 भारत, तहसील रिपोर्टर रोहित पाराशर। आज राजकीय महाविद्यालय सैपाऊ में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जयंती के सुअवसर पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। इस आयोजन में महाविद्यालय सैपाऊ के अतिरिक्त सारे सैपाऊ ब्लॉक के समस्त महाविद्यालयों को आमंत्रित किया गया और हमारे यहाँ इस कार्यक्रम में विद्यार्थियों की संख्या करीब 550 थी। इस सफल आयोजन में विद्यार्थियों से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के सुअवसर पर जो उन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी, विद्यार्थियों से उनके सिद्धांतों को अवगत कराते हुए ये आह्वान किया कि वे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के इस स्वप्न को साकार करें, सत्य और अहिंसा के बताए हुए उनके मार्ग पर चलते रहें और देश में राम राज्य की स्थापना जो गांधी जी चाहते थे उसकी स्थापना में राजकीय महाविद्यालय सैपाऊ में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के सुअवसर पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। इस आयोजन में सैपाऊ महाविद्यालय के अतिरिक्त सैपाऊ ब्लॉक के समस्त महाविद्यालय एकत्रित थे और उनमें हमारे यहाँ स्टूडेंट्स की संख्या करीब 550 के आसपास थी, जिसमें हमने अपने विद्यार्थियों से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सपनों को साकार करने का आह्वान किया और उनके बताए हुए धर्म, सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए अग्रसर किया तथा उनका जो महत्वपूर्ण सपना था देश में, हमारे भारत देश में राम राज्य लाने का, उसकी स्थापना करने की उनसे कोशिश